दहेज को लेकर अभी भी समाज का नजरिया बदल नहीं रहा है। दहेज को लेकर पति सास देवर देवरानी ने एक महिला के साथ मारपीट करी। पीड़ित महिला घायल अवस्था में पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। अमरापाटन थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती बबली के पास दहेज लोभियों द्वारा दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर रश्मि कुशवाहा के साथ मारपीट की गई। पीड़ित महिला के साथ उसके पति राजेश कुशवाहा, सास सियाबाई देवर और देवरानी पुष्पा कुशवाहा ने लात घूसों से मारपीट की। घायल महिला ने अमरपाटन थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। मेडिकल के बाद महिला का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला की माने तो जब से उसकी शादी हुई है तभी से ससुराल के लोग व पति 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे हैं। पति देवर सास ये देवरानी भी सब मिले हुए हैं और मेरे पति से मरवाती हैं, बोलती है इसको निकाल दो। जब से मेरी शादी हुई जब से मेरे को मैं आज तक सहती गई और मेरे बर्दाश्त के बाद मेरे धमकी दी है कि मार डालूंगी। 5 लाख रुपए लेके आओ तब हम लैट्रिन बाथरूम में जाने रहेंगे, तब तेरा घर होगा। सास बोलती तेरा बाप यहाँ नहीं बनवाया है घर, बहुत दिन से हो रहा है, अभी ज़्यादा अभी हुआ 10 दिन पहले से। मैं ज़बरदस्ती जब जाने लगी तो मारते हैं। मैं पति से कहती मेरे पति कभी कुछ नहीं बोलता, वो लोग भी मारते हैं और ये भी आके फिर मारते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।